हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपका लीवर फैटी हो चुका है तो आप फैटी लीवर को कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बहुत ही जल्दी अपीयर होने लगते हैं या बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम आपके साथ वो सारे सिम्टम्स शेयर करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपने लीवर को लाइफ टाइम तक हेल्दी रखने के लिए। लीवर हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बाहर निकालता है, उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। तो अगर लीवर ही अनहेल्दी है तो क्या होगा, ये सारे फंक्शन नहीं होंगे, और जब ये सारे फंक्शन नहीं परफॉर्म होंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे ये सारे वेस्ट मटेरियल स्टोर होने लगेंगे और मे बी ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी बन सकते हैं। तो इसीलिए अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हर एक बॉडी का ऑर्गन अगर हेल्दी रहेगा फिट रहेगा तो उससे क्या होगा, हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जिनसे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा लीवर क्या हो रहा, फैटी हो रहा। फैटी लीवर का क्या मतलब होता है, जैसे अगर ये हमारा लीवर है तो लीवर के चारों तरफ जब गंदगी चिपकने लगती है, क्या होगी, वेस्ट प्रोडक्ट या फिर फैटी चीज धीरे धीरे चिपकने लगती है, तो इससे हमारा लीवर जो है धीरे 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 उसकी साइज बढ़ती जाती है, उसी को हम कहते हैं फैटी लीवर। और ये फैटी लीवर ये क्यों होता है, पहले तो हम सिम्टम्स जानते हैं कि हमें अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब हमारा लीवर डैमेज हो रहा है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम, मतलब कंटिन्यूअस आपको डेली गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब आपका लीवर डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है एसिडिटी, अगर आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड बन रही, बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो रहा है, तो इसका मतलब आपका लीवर फैटी हो रहा है या फिर आपका लीवर डैमेज हो रहा है। अगला जो है वो है कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा है, बढ़ती जा रही है, तो इसका इससे भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है या फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका लीवर डैमेज हो चुका है। अगला जो है वो है कोई भी लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर में स्वेलिंग है, लीवर में इन्फेक्शन है, और ये बीमारी बहुत सालों से है या फिर बहुत महीने से है, तो इससे भी आपका लीवर पूरी तरीके से जब डैमेज हो जाएगा तो वो खुद को भी रिकवर नहीं कर पाएगा। नहीं तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, अगर वो एक बार डैमेज होता है तो खुद की रिकवरी करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है तो वो खुद को रिकवर नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आप अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डैमेज मत करिए, उन्हें हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको और भी बहुत सारे कारण बताते हैं जिसकी वजह से आपका लीवर फैटी हो रहा है, वो है अल्कोहल। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो आपका लीवर धीरे धीरे कर पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, फिर क्या होगा, वही हमारा लीवर फैटी बन जाएगा। अगला जो है वो है स्मोकिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग भी करते हैं तो ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से भी आपका लीवर धीरे धीरे फैटी बन जाएगा। नेक्स्ट है वो है आप कभी भी मार्केट से फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स लेके आइए, उसे क्या करना है, आलस बिल्कुल भी नहीं करना है, पानी गर्म करिए, उसके अंदर वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रॉपरली वॉश कर लीजिए। कोई भी कैसा भी फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल हो, हर प्रकार के वेजिटेबल्स को, हर प्रकार के फ्रूट्स को आपको उस गर्म पानी के अंदर क्या करना है, प्रॉपरली वॉश करना है। जब आप गर्म पानी में वॉश करेंगे तो कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मिक्स किए जाते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो वो आप अगर लाएंगे डायरेक्टली बस ऐसे वॉश कर लिए खा लिए तो वो गंदगी तो आपके अंदर चली गई, वो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो वो मे बी धीरे धीरे आप ऐसा कर रहे हैं तो एक दो साल के अंदर धीरे धीरे वो केमिकल स्टोर होते जा रहा और आपका लीवर पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मार्केट से जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ला रहे हैं उसे अच्छे से गर्म पानी में धुलिए, उसके बाद तब उसका यूज़ करिए, आपको कभी भी लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट जो है वो है आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करनी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो आपकी होल बॉडी में मूवमेंट होगा, जब बॉडी में मूवमेंट होता है हमारी बॉडी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स भी शो करती है, बॉडी में उतना ज़्यादा एक्टिवनेस भी रहती है। तो फिजिकल एक्टिविटीज भी करिए अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए। और क्या नहीं करना चाहिए, आप
जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जो फैट बढ़ाते हैं उन्हें खाना छोड़ दीजिए, फैटी फूड आइटम्स। जैसे कि आप बेकरी फूड आइटम्स को खाना छोड़ दीजिए, इसमें केक, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर, जो कुछ भी आता है, जो भी चीज़ मैदे से बनी हुई होती है, ब्रेड, टोस्ट, ये सब पाव और भी बहुत सारी चीज़ें होती, ये सारी चीज़ें मैदे से बनी हुई होती है और मैदा इतना ज़्यादा स्लिपरी एंड स्टिकी होता है कि वो हमारे स्टमक में जाकर स्टिक कर जाता है और हमारा पेट उसे सही से पचा नहीं पाता है। जब वो चीज़ सही से पचती नहीं है तो वो क्या होती, बॉडी के किसी भी बॉडी के पार्ट में जाकर स्टोर होती है और वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट आपके लीवर पर ही डालेगी। तो इसीलिए मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ आप मत खाइए, मैदा आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ऐसे मुंबई में कुछ ऐसे केस स्टडीज़ देखे गए हैं जिनमें मोमोज खाने से जो है आज हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों हार्ट अटैक आ रहा है? क्योंकि जो मोमोज बनता है वो मैदे से बनता है और मोमोज को पकाया जाता है वो सही से स्टीम करके पकाया नहीं जाता, जिससे लोग कच्चा मैदा खा रहे हैं और वो मैदा सही से पच नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आएगा। तो इसीलिए मैदे की, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज मत खाइए। आपको खानी है तो आप आटे से बनाकर खाइए, ऐसी और भी बहुत सारे आटे आते हैं, बहुत प्रकार के होल ग्रेन्स आते हैं, मतलब ग्रेन्स आते हैं, उनका यूज करके आप उनकी चीजें, मतलब रोटी बना लीजिए या इडली डोसा, यहाँ तक सूजी की भी इडली डोसा बनते, उन चीजों से बनाइए। लेकिन मैदे से बनी हुई कोई भी चीज आपको नहीं लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि हम लाइफ टाइम तक हेल्दी रहें, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनी, सब कुछ हेल्दी रहे, क्योंकि जब आप अगर, जैसे कि आप अगर ऑयली चीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो वो ऑयली चीज जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। जब वो सही से नहीं डाइजेस्ट होगी तो क्या होगा, हमारे लीवर के चारों तरफ जाकर स्टिक करेगी और जिसकी वजह से हमारा लीवर फैटी बनेगा। और आप जब फैटी चीजें खाएंगे तो वो भी जो है वो भी जाके हमारे लीवर के चारों तरफ इकट्ठा होगा, फिर हमारा लीवर फैटी बन जाएगा। जब लीवर इतना खराब होते जा रहा है तो लीवर चाह के भी खुद को रिकवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए लीवर के साथ खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि लीवर हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो बॉडी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके होने के चांस बढ़ जाते हैं। लीवर को आपको डिटॉक्स कैसे करना है, लीवर आपको हेल्थ, आप लीवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनका यूज करके आप अपने लीवर को लाइफ टाइम तक हेल्दी रख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप वहां पर जाइए, वो वीडियो देखिए, उनसे ये सीखिए कि हम अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, लीवर को लाइफ टाइम तक हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से फूड आइटम्स का यूज करें जिससे हमारे लीवर को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आजकल फैटी लीवर की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और वो मेडिसिन का यूज करने से जल्दी ठीक नहीं होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ऐसे प्रिकॉशन होते हैं, उसे करना पड़ेगा। मींस जो है जितनी भी मैदे से बनी हुई चीज होती है उनसे दूरी बनानी पड़ेगी, ऑयली चीजों से दूरी बनानी पड़ेगी, तब आप अपने लीवर को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। और हेल्दी एंड बैलेंस डाइट तो आपको खाना ही खाना है, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करनी है ताकि आप अपने लीवर को लाइफ टाइम तक हेल्दी रख सकते हैं। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करिए, अपने लीवर को हमेशा हेल्दी रखिए, क्योंकि बॉडी का हर एक ऑर्गन अगर हेल्दी रहेगा तो आप भी हमेशा हेल्दी रहेंगे एंड डिजीज फ्री रहेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।